हेलो फ्रेंड, स्वागत एक बार फिर आपका हमारे चैनल मेहसान स्टार्टर्स में। और यार आज की इस वीडियो में हम तेलुगु सिनेमा के डायरेक्टर गुणशेखर की एज अ डायरेक्टर रिलीज सभी मूवीज की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आप व्यूअर के साथ शेयर करने जा रहे हैं। व्यूअर, एज अ डायरेक्टर गुणशेखर की डेब्यू मूवी का नाम है लाती, जो की 1992 में रिलीज हुई है। और अब तक एज अ डायरेक्टर गुणशेखर कितनी मूवीज डायरेक्ट कर चुके हैं और उनकी कितनी मूवीज हिट, कितनी फ्लॉप और कितनी ब्लॉकबस्टर रही है, आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल हम आप व्यूअर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का आगाज करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो इधर गुणशेखर की एज अ डायरेक्टर डेब्यू मूवी थी लाती। फिल्म की लीड कास्ट में प्रशांत, संयुक्ता सिंह और रघुवरन शामिल थे। तेलुगु लैंग्वेज ये मूवी 1992 में रिलीज हुई थी। 2 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1,50,00,000 के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 2,10,00,000 और बॉक्स ऑफिस पर लाती को एक फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। गुणशेखर की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है सुगासु चुगाडा तारामा। फिल्म की लीड कास्ट में नरेश, इंद्र राजा और तनिकला भारानी शामिल थे। तेलुगु लैंग्वेज की मूवी 14 जुलाई 1995 को रिलीज हुई। 2,50,00,000 के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3,80,00,000 के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 4,20,00,000 और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक हिट फिल्म करार दिया गया। गुणशेखर की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है रामायणम। फिल्म की लीड कास्ट में एनटीआर रामाराव जूनियर, स्मिता माधव शामिल थे और तेलुगु लैंग्वेज ये मूवी 11 अप्रैल 1997 को रिलीज हुई। 3 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 8 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर रामायणम एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। गुणशेखर की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है चुडलानी वेंडी। फिल्म की लीड कास्ट में चिरंजीवी, सुंदरिया, अंजाला जवेरी और प्रकाश राज शामिल थे। तेलुगु लैंग्वेज की यह मूवी 27 अगस्त 1998 को रिलीज हुई। 4 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 14 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक ब्लॉकबस्टर मूवी करार दिया गया। गुणशेखर की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है मनोहरम। फिल्म की लीड कास्ट में जगपति बाबू और लया शामिल थे। तेलुगु लैंग्वेज की मूवी 13 मई 2000 को रिलीज हुई। 4,20,00,000 के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 7,80,00,000 के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 12 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर मनोहरम एक हिट फिल्म साबित हुई। गुणशेखर की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है मुरुगा राजा। फिल्म की लीड कास्ट में चिरंजीवी, सिमरन, संघावी और नागेंद्र बाबू शामिल थे। तेलुगु लैंग्वेज की यह मूवी 11 जनवरी 2001 को रिलीज हुई। 4,70,00,000 के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3,20,00,000 के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 4,60,00,000 और बॉक्स ऑफिस पर मुरुगा राजा एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। गुणशेखर की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है उक्काडू। फिल्म की लीड कास्ट में महेश बाबू, भूमिका चावला और प्रकाश राज शामिल थे। तेलुगु लैंग्वेज की यह मूवी 15 जनवरी 2003 को रिलीज हुई। 8 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 23 करोड़ के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 35 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर उक्काडू को एक ब्लॉकबस्टर मूवी करार दिया गया। गुणशेखर की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है अर्जुन। फिल्म की लीड कास्ट में महेश बाबू, श्रिया सारान, कीर्ति रेड्डी और प्रकाश राज शामिल थे। तेलुगु लैंग्वेज की मूवी 18 अगस्त 2004 को रिलीज हुई। 20 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 21 करोड़ के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 32 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक एवरेज मूवी करार दिया गया। गुणशेखर की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है साइनी कुडू। फिल्म की लीड कास्ट में महेश बाबू, त्रिशा, इरफान खान और प्रकाश राज शामिल थे। तेलुगु लैंग्वेज की यह मूवी 30 नवंबर 2006 को रिलीज हुई। 12 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 17 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर इसे भी एक फ्लॉप फिल्म करार दिया गया। गुणशेखर की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है वरुदू। फिल्म की लीड कास्ट में अल्लू अर्जुन, आर्या, भानुश्री मेहरा और आशीष विद्यार्थी शामिल थे। तेलुगु लैंग्वेज की यह मूवी 31 मार्च साल 2010 को रिलीज हुई। 30 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 19 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर वरुदू को एक डिजास्टर मूवी करार दिया गया। और वह इसी तरह गुणशेखर की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी का नाम है निपू। फिल्म की लीड कास्ट में रवि तेजा और दीक्षा शेट शामिल थे। तेलुगु लैंग्वेज की मूवी 17 फरवरी साल 2012 को रिलीज हुई। 20 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 5 करोड़ के कलेक्शन की और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 12 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर निपू भी एक डिजास्टर मूवी साबित हुई और यही एज अ डायरेक्टर गुणशेखर की अब तक की रिलीज होने वाली आखिरी फिल्म भी साबित हुई है। तो ये वाले डायरेक्टर गुणशेखर ने 12 मूवीज डायरेक्ट की हैं, जिनमें से उनकी 2 मूवीज ब्लॉकबस्टर, 1 मूवी सुपरहिट, 1 मूवी हिट और 2 एवरेज रही और उनकी करियर में 3 मूवीज फ्लॉप और 2 डिजास्टर रही हैं। तो इस हिसाब से तेलुगु साउथ इंडियन सिनेमा में एज अ डायरेक्टर गुणशेखर का सक्सेस रेशियो बनता है 58.33%।
तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने तेलुगु साउथ इंडियन सिनेमा के डायरेक्टर गुणशेखर की एज अ डायरेक्टर रिलीज सभी मूवीज की डिटेल आप व्यूअर्स को प्रोवाइड की। तो एज अ डायरेक्टर गुणशेखर की रिलीज इन सभी मूवीज में आपकी फेवरेट कौन कौन सी मूवीज हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट मूवीज के नाम मेंशन करना न भूलिएगा। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की कोशिश आप व्यूअर्स को पसंद आई होगी। अगर हमारे आज का वीडियो आप व्यूअर्स को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल मैसान स्टार्टर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल मैसान स्टार्टर्स को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा, और इसके साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और आप हमारी आज का वीडियो किस शहर किस देश से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में इसे भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा, हमें जानकर खुशी महसूस होगी कि हमारे ये वीडियो कहां कहां पर देखा जा रहा है। हमारा आज का वीडियो देखने का आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत शुक्रिया।